वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा भाई, आज मंडे है और यूनिवर्सिटी गया हुआ। तो सुबह में यूनिवर्सिटी गया, क्लासेस थी, क्लासेस अटेंड की, उसके बाद हम लोग कैफेटेरिया चले गए थे। कैफेटेरिया में काफ़ी देर बैठे रहे। कैफेटेरिया के बाद फिर घर के लिए निकला तो याद आया कि भाई ईद के जो कपड़े में हमारे एक पुराना दर्जी है, मामू नाम है उसका, उसके पास गया, उधर से कपड़े लिया मैंने और कपड़े लेकर अब घर वापस आया। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे क्योंकि पूरा दिन, कल का दिन भी बहुत हैक्टिक गुजरा, थकन थी काफ़ी, सुबह में यूनिवर्सिटी चला गया। तो अभी इरादा है थोड़ी देर रेस्ट करने का, उसके बाद अपना दिन जो है आगे चलेंगे। तो मतलब व्हाट इज रॉन्ग? आज के पूरे दिन का एक ही मसला रहा है, वो है लोड शेडिंग। सुबह लाइट जाती है, शाम में आती है, 8 बजे फिर जाती है और फिर रात में आती है। मतलब क्या मसला है? मतलब बंदा बस सुबह रात इसी में परेशान रहे कि भाई लाइट है कि नहीं है, किस मिनट चली जाएगी, आपका जनरेटर सही है या नहीं है, आपका यूपीएस चल रहा है या नहीं है। बस आप इसी परेशानी में मसरूफ़ रहोगे कि भाई किस मिनट दोबारा लाइट चली जाएगी, किस मिनट हम गर्मी में बैठे हुए होंगे, किस मिनट क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब 6 घंटे सुबह में जाना और 6 घंटे रात में लाइट जाना, ये बहुत ज़्यादा है। आप पहले लोड शेडिंग के टाइम दे देते हो, उसके बाद फिर अचानक से आपका टाइम डिफरेंट हो जाता है। ना कोई लोड शेडिंग है, ना कोई शट डाउन है। फ़ोन करो तो सर कुछ भी नहीं है, आपकी लोड शेडिंग नहीं है, आपकी शट डाउन नहीं, तो फिर 7 घंटे लाइट क्यों जा रही है, 6 घंटे क्यों लाइट जा रही है, इसका कोई जवाब ही नहीं है और हम परेशान हैं। तो मतलब भाई हो क्या रहा है यार? सुबह लाइट चली जाती है, रात चली जाती है, मतलब सब परेशान है। मैं अकेला अपने बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन सबके बारे में बात कर रहा हूँ। भाई अगर इश्यूज़ हैं तो पता तो चलें। अगर आप ये कहते हो कि भाई लोड शेडिंग होगी या शट डाउन होगा, तो लोगों को पता होता है कि भाई लोड शेडिंग होगी या शट डाउन होगा, लेकिन ना कोई लोड शेडिंग टाइमिंग है, ना शट डाउन है, कुछ भी नहीं है। आज क्या हुआ? सुबह में लाइट चली गई, 7 बजे, 7:15 बजे लाइट आई। 7:15 बजे से पहले मैंने 7 बजे कॉल की, भाई ऑपरेटर ने उठाया, जो कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक होता है, उसने डिटेल्स दी। मैंने डिटेल्स के मुताबिक जो है शटडाउन का डिटेल के लिए 2 दबा दिया, जो भी था प्रोसेस दबाया, तो उसमें आया नो शटडाउन। मैंने ठीक है भाई। उसके बाद मैं ऑपरेटर के पास चला गया, जो कस्टमर सर्विस के जो होते हैं, जो हमें डीलिंग करते हैं। मैंने उसको बताया भाई सब कुछ, एक तो 14 पता नहीं 18 कोड का जो हमारा नंबर होता है वो बताया। उसने बताया कि सर कोई शट डाउन नहीं है, कुछ भी नहीं है और मेरी तरफ कुछ भी नहीं आ रहा, मैं आपको एक कंप्लेन नंबर दे देता हूँ। बड़ी तमीज़ से उसने मुझे एक चीज़ समझा दी, मैं समझ गया ठीक है भाई। थोड़ा परेशान था। 5 मिनट 10 मिनट के बाद लाइट आ गई। मैंने बोला बेहतरीन हो गया भाई, अच्छा काम है, लाइट आ गई। उन्होंने कॉल बैक भी की मुझे नंबर पे, PTCL की कॉल बैक की, मुझसे अपडेट लिया। मैंने बताया कि भाई लाइट आ गई। उस टाइम पे मेरे दिमाग में आ रहा था कि यार इसके बारे में व्लॉग में बात ज़रूर करूँगी। फिर मैंने सोचा नहीं यार, अब लाइट आ गई, एक अच्छी चीज़ कर दी इन्होंने, तो फ़ायदा क्या भाई। 10 बजे नहीं है, दोबारा लाइट चली गई। मतलब आप कर क्या रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। अगर मेरे घर पे जनरेटर है या UPS है, आई गेट इट, आई टोटली अंडरस्टैंड। हम लोग लग्जरी में, लाइट जाती है जनरेटर चल जाएगा, UPS चल जाएगा, ठीक है। लेकिन वॉट अबाउट दोज पीपल हु डोंट हैव दीज लग्जरीज, वो क्या करेंगे? क्या उनके बारे में आप लोग नहीं सोचते? तो ये चीज़ें होती हैं। जब आपने एक चीज़ कह दी है लोड शेडिंग की टाइमिंग होगी, शटडाउन का हिसाब होगा, पता होगा, तो फिर इसके मुताबिक चलें आप। खैर डीप हो गया हूँ इस व्लॉग में, ज़्यादातर मैं व्लॉग में सब चीज़ इश्यूज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन एक था, एक कंसर्न था भाई, बड़ी तकलीफ हो रही थी 3-4 दिन से। तो मैंने सोचा यार अब जो 2-4 फॉलोअर्स क्यों ना हों, उनसे ही बात कर लेते हैं, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे।
तो लोग पीछे ज़रूर देखेंगे कि भाई व्लॉग्स में बात होती थी इन चीज़ों के बारे में। और मेरा कभी भी मकसद ये नहीं था कि व्लॉग बनाने की और मैं ये हुआ, मेरा यही था कि हमेशा कि भाई वीडियोस बनाने का शौक़ था, तस्वीरें खींचने का, तो उसको ही अभी परस्यू कर रहा हूँ और कुछ नहीं। खैर आज के व्लॉग के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।